Just to quickly revise, so we started with from day one, what is programming, programming language, and why as a data analyst we need to learn Python. Clear? Sabko clear hai? Yes. Then we started with basics. Programming language में कई basic चीजें रहती है. We started with variables, reserve word, variable लिखने के कुछ तीन चार rules, right? What is variable? And then we started with some operators, mathematical, arithmetic, comparison. और फिर उसके बाद हमने देखा कि what are the data types? Because as a data analyst, we'll handle the data. So we understood what are the different types of data. And then in that, we understood some basic types, starting with numbers, integer, float, complex, right? Boolean, true, false, string. And we touched upon some object-oriented programming concept, right? And then we understood a little bit about big data analytics, distributed computing, what happens in the real life, what, how data is handled, all those things, right? Class, object, logical, physical entity, inheritance, polymorphism, right? So we covered pretty much theoretical part. मतलब theoretical part हमने cover किया है as a programming language का. Now we'll start understanding in depth about individual data types or derived data types. Derived as in जो data type program specific रहते हैं. मतलब Java में कुछ और रहेंगे, Python में कुछ और रहेगा, C में कुछ और रहेगा, C++ में कुछ और रहेगा. So Python or programming specific data types will start learning. During this time आपको प्रोग्राम कैसे लिखना है उसके बारे में भी एक जनरल एक हमने डिस्कस किया था. मे बी गाइडलाइन बोल सकते हो और प्रैक्टिस. ये थ्री स्टेप प्रोसेस है. वन इज इनपुट, सेकेंड इज लॉजिक एंड थर्ड इज आउटपुट. और ये तीन स्टेप्स में और ये तीन सेक्शन में आपको आपका प्रोग्राम लिखना है, वट एवर प्रोग्राम यू आर गोइंग टू राइट. और दिस इज वॉट मोस्टली पीपल फॉलो. और आपको सीखना है प्रोग्रामिंग तो यू शुड स्टार्ट कंसिडरिंग दिस अप्रोच वट एवर प्रॉब्लम्स. ओके, एंड देन इनपुट स्पेसिफिक, लॉजिक स्पेसिफिक, आउटपुट स्पेसिफिक. देर आर फ्यू फंक्शंस सच एज आउटपुट को हमें कुछ मॉडिफाई करना है तो हमने एफ स्ट्रिंग देखा था, राइट? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग. होप यू पीपल आर एबल टू रिलेट जो हम बात कर रहे हैं और व्हाट वी आर लर्निंग एंड वो कौन से स्टेप में आपको यूज करना है. क्लियर? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मोस्टली डेटा टाइप कहाँ पे यूज करेंगे हम? लॉजिकल स्टेप में वगैरह, राइट? और इनपुट स्टेप में, इनपुट एंड लॉजिकल में डेटा टाइप्स यूज करेंगे. आउटपुट में मोस्टली प्रिंट रहेगा, नहीं तो फॉर्मेटेड प्रिंट स्टेटमेंट रहेंगे. वेरिएबल्स कहाँ डिक्लेयर होंगे? ऑब्वियसली इनपुट स्टेप में, क्योंकि लॉजिक में तो आप डायरेक्टली लॉजिक लिखते हो, राइट? सो होप आपको समझ में आ रहा है कैसे हम आगे बढ़ रहे थोड़ा थोड़ा, एज इन अंडरस्टैंडिंग basic concepts and then we are going to learn few advanced things. So let's start. Let me present my screen and I think maybe we should start extending our lectures beyond 1 hour. So aaj se start karenge. Maybe we'll extend our lecture by 10 minutes 15 minutes. Okay, every day, or else with this speed hame bahut time lagega. Okay, to complete everything. Let me close this one. Screen dikh raha hai, right? Sabko? Okay. Debug karna, hope everybody knows. Ye kya hai error? Aur isko solve karna is nothing but debug.
सो वो आपको पता है, ये नंबर रिलेटेड कंफ्यूजन ये भी क्लियर है, ये रन हुआ है नहीं हुआ है, ये कर्नल हमने पूरा एक लेक्चर स्पेंड किया है अंडरस्टैंडिंग आर्किटेक्चर, दिस इज नथिंग बट आर्किटेक्चर, इसको आर्किटेक्चर बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को कैसे कंबाइन किया जाता है, इसको आर्किटेक्चर बोलते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। सो पाइथन यूजेस कर्नल, क्योंकि इन द एंड पाइथन में आई गेस इट इज रिटन इन सी सी प्लस प्लस, सो दैट्स व्हाई इट यूजेस कर्नल, बट जावास्क्रिप्ट वगैरह है, नहीं तो HTML, CSS, दे डोंट यूज कर्नल, दोज आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब वो क्या करते हैं, खुद का एक एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली रन करते हैं। अगेन डिफरेंट प्रोग्रामिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट, नॉट रिलेटेड टू अस, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, जैसे प्रोग्रामिंग के दो टाइप है, मतलब प्रोग्रामिंग फिलोसॉफी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, एंड एक डायनामिकली टाइप्ड। तो सेम फिलोसॉफी में और एक दो चीजें हैं, एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। तो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये क्या है, नॉट टुडे सम अदर टाइम, आपको लगे तो आप पढ़ लेना ऑनलाइन, क्या ठीक है। अगेन सो आई थिंक कवर्ड अबाउट द प्रिंट क्या रहता है, टाइप क्या रहता है, राइट, हेलो एवरीथिंग अबाउट द डेटा टाइप्स, और हमने समझा कि कैर CHAR कैरेक्टर पाइथन में नहीं होता, सम अदर लैंग्वेज में हैव दैट। लेट्स कम टू द पॉइंट, भाई आपको ये होमवर्क था ना, सब बारे देखना था, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके देखना था ये। ओके ठीक है, सो डेटा टाइप्स क्विकली आपको पता ही है, नंबर बुलियन स्ट्रिंग ये हो गए बेसिक, एंड देन हमने कई एग्जांपल लिया था, ये मल्टीप्लिकेशन ऑल दोस थिंग्स। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, ओके कहाँ थे हम, बूल डेटा टाइप, नंबर हमने देखा है यहाँ से डाइवर्टेड, होप यू नो राइट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सो यू हैड अ क्वेश्चन व्हाई दिस इज क्लास, होप एवरीथिंग इज क्लियर, दिस इज क्लास एंड इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ये बी जो वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट है राइट, और ये क्लास फ्लोट है, ओके एक्सलेंट। सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज बुलियन और बुल, देयर इज अ डेटा टाइप कॉल्ड बुल, बुल नाम का एक डेटा टाइप रहता है, ओके व्हिच इज नथिंग बट अ ट्रू एंड फॉल्स, और ये ट्रू कैसा लिखा है, टी कैपिटल राइट एंड एफ कैपिटल फॉल्स में, व्हाई, बिकॉज अगेन पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, यहाँ पे कैपिटल ट्रू लिखोगे तो उसका मीनिंग अलग, सेम ये ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इज टुडे मंडे और सैटरडे, सैटरडे है क्या आज, ऐसा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने, इज इक्वल टू उसका वैल्यू फॉल्स है, ओके कैन आई मेक दिस, नो नो राइट, दिस हैज टू बी दिस ओनली, इसका कलर भी चेंज होता है इफ यू ऑब्जर्व, रिजर्व वर्ड का कलर ग्रीन है पाइथन में, ओके इज टुडे थर्सडे है तो आप ट्रू लिख सकते हो, व्हाट इज टुडे, ओके लेट मी क्रिएट दिस वेरिएबल, इज टुडे मंडे ट्रू राइट, एंड आई हैव डिक्लेयर्ड अ टू वेरिएबल, सो लेट मी एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे आज का एग्जीक्यूशन है इसलिए एक नंबर आया है, ओके ये पुराने हैं सारे एग्जीक्यूशन। सेव फाइल कैसे करना है, फाइल समबडी वाज आस्किंग राइट, फाइल सेव ऑल और सेव, सो इफ यू सेव तो ये नंबर ऐसे सेव हो जाएंगे पुराने वाले, ओके एंड आई वांट टू प्रिंट द वेरिएबल, प्रिंट टुडे इज सैटरडे, एग्जीक्यूट, इट गिव्स फॉल्स, टुडे इज मंडे, और इसका टाइप चेक कर सकते हो, टाइप दिस इज बुल राइट, इसका डेटा टाइप क्या था, बुलियन, तो इसका बुल ऐसे आउटपुट आया है,
टाइप मंडे, मंडे का देख चेक कीजिए, क्लास बुल इज नथिंग बट अ बुल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, होप यू अंडरस्टैंड। बाय द वे इंटरनली पाइथन रिप्रेजेंट बुल एज 0 एंड 1, मतलब फॉल्स को 0 बोलता है, ट्रू को 1। व्हाई? अगेन एट द एंड सब कुछ नंबर में चेंज होगा, बाइनरी, सीपीयू आपका बाइनरी में कैलकुलेशन करता है, राइट? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो उसको ही यहाँ पे एक्सटेंड किया, ये कैसे पता चला? चेक, फॉल्स प्लस फॉल्स कीजिए, क्या आना चाहिए? जीरो। फॉल्स प्लस ट्रू क्या आना चाहिए? और ट्रू प्लस फॉल्स क्या आना चाहिए? ये हो गया 1, सॉरी ये हो गया 1 प्लस 0 का आंसर क्या आता है? 1। तो आप चेक कीजिए, आ गया। ट्रू प्लस ट्रू का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, राइट? एडिशन है ना, मैथमेटिकल, यस। मल्टीप्लिकेशन चेक कीजिए, ओके। सो इंटरनली पाइथन इसको 0 और 1 में कंसिडर करता है। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप इन आवर लिस्ट, बाय द वे किसका माइक ऑन है, प्लीज अनम्यूट, सॉरी म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट डेटा टाइप हो गया इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स हमने देखा, बुलियन देखा, ट्रू एंड फॉल्स। देन वी विल स्टार्ट विद स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो, मतलब एक कैरेक्टर नहीं है, मल्टीपल कैरेक्टर है। सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इनसाइड सिंगल और डबल, ये हमने देखा है ऑलरेडी। फॉर मल्टी लाइन वी शुड यूज डबल सिंगल और डबल, सॉरी ट्रिपल सिंगल और ट्रिपल डबल, ट्रिपल सिंगल नहीं तो ट्रिपल डबल, ये भी चलता है, ओके। एंड वी कैन यूज कोट इनसाइड कोट, मतलब डबल के अंदर सिंगल, सिंगल के अंदर डबल, और डबल इनसाइड मल्टीपल, वॉट एवर कॉम्बिनेशन यू वॉन्ट टू डू आप कर सकते हो। सो एग्जाम्पल, माई नेम इज नेम कपिल, माई नेम अनिल, प्रिंट कीजिए, दीज आर द टेक्स्ट। यू कैन सी यहाँ पे डबल इनक्लोज है, यहाँ पे सिंगल है, स्टिल आई एम गेटिंग अ सेम आंसर, ओके। देन देर इज अ बायो, माई नेम इज कपिल, आई वॉन्ट टू लर्न पाइथन, समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ बायो, आई यूज द टू लाइन्स, सो इसीलिए डबल, डबल ट्रिपल और डबल सिंगल भी चलता है, ओके। और यू कैन एग्जीक्यूट मे बी बायो 2, डबल ट्रिपल सिंगल भी चलता है, माई नेम इज राइट, समथिंग लाइक दिस। यू कैन सी दिस इज इन रेड कलर, बाय द वे ये रिपीट हो रहा है, इसलिए वी आर स्किपिंग और मूविंग बिट फास्ट। सो बायो एग्जीक्यूट करके देखो, हो रहा है, इट शोज, बाय द वे स्लैश एन इज नथिंग बट ए न्यू लाइन, पाइथन में न्यू लाइन कैसे दिखाओगे ना, तो इसलिए स्लैश एन, और ये स्लैश एन न्यू लाइन को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, सीक्वेंस कैरेक्टर, नहीं कैरेक्टर सीक्वेंस, मतलब ऐसा कई शॉर्टकट है प्रोग्रामिंग में, स्लैश एन लिखोगे तो यह हमेशा न्यू लाइन इंडिकेट करता है, नॉट ओनली पाइथन, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा ये, और देर इज स्लैश टी, स्लैश टी का मतलब है टैब, ओके, टैब वगैरह इंडिकेट करने के लिए। सो ऐसे कई सीक्वेंस कैरेक्टर है, सम वर्ड इज देयर, तो ये कैरेक्टर डिनोट करते हैं, स्माइली के लिए भी वहां पे, मतलब प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर है, मे बी ये कोलन एंड ब्रैकेट, इसका मतलब स्माइली है। सो अलग अलग स्माइलीज और अलग अलग कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसे डिनोट होते हैं। जावा और वेब डेवलपमेंट में ये आपको बहुत यूज होता है, हाउ वी डोंट यूज सो फ्रिक्वेंटली बट गुड टू नो, ओके। चलो, सो बायो, यस, स्लैश एन लिखने के बाद आई वांट टू लर्न पाइथन, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। नहीं, ये
इंडिकेट करता है कि स्लैश एन इज देयर, सो इट इले दैट्स व्हाई इट इज कमिंग टू न्यू लाइन ऐसे. सो बट जब भी ये कंपाइल होता है एज इन व्हेन एवर इट शोज ऑन माय स्क्रीन इट विल इंडिकेट ओनली एज अ स्लैश एन. बट ये इनपुट आप किसी और प्रोग्राम में लिखोगे और कहीं और इनपुट दोगे तो उसे समझ में आएगा कि ये नए लाइन में है. एक्चुअली ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग एनी फ्रंट एंड लाइब्रेरी. फ्रंट एंड मतलब वेबसाइट में वगैरह दिखाने के लिए मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ. बट आपको वेबसाइट में एक नया लाइन में लिखना है तो बैक एंड का प्रोग्राम में स्लैश एन लिखना है. एक्चुअली दिस इज नॉट सपोर्टेड इन माई जुपिटर नोटबुक, बट आई गेस आप किसी किसी के जुपिटर नोटबुक में सपोर्टेड है क्या, देखिए वो सेकेंड लाइन भी लेता है. आई यू नीड टू डू सम कॉन्फिगरेशन फॉर दैट. सो ये एज अ पाइथन जो इंटरप्रेट कर रहा है, बट ये आगे किसी इनपुट दोगे मतलब वेब डेवलपमेंट के लिए, नहीं तो वेबसाइट में आपको दिखाना है. आई गेस ये गूगल कोलैब पे वर्क होता है क्या, देखिए मे बी इट विल अंडरस्टैंड कि हमें जो वो स्लैश एंड मीनिंग है. ओके ठीक है, सो लेट्स प्रिंट बायो एग्जीक्यूट. ओह या इट इज प्रिंटेड, आप अभी देख सकते हो. सो बायो टू ओके. मे बी जुपिटर नोटबुक आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आई गेस इट विल वर्क. बट मेनी टाइम्स इसका एक सेटिंग है कहीं, तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन में आपको सेट करना है, पर पता है कि हाउ मच यू कैन शो द आउटपुट, मतलब आपका आउटपुट कितना दिखना चाहिए, उसके कुछ लिमिटेशंस है. ओके चलो, सो हमने वी अंडरस्टूड अबाउट वेरिएबल एज इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन. ओके बाद में कर दीजिए आफ्टर द लेक्चर, मे बी एक्सपेरिमेंटेशन यू कैन डू इट आफ्टर द लेक्चर. तो डिक्लेरेशन हो गया. स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं ये पता चला, वेरिएबल में कैसे उसको सेव करना है, अंडरस्टूड प्रिंट करना है आपने देखा, टाइप भी चेक कीजिए उसका स्ट्रिंग आता है कि एक बार. मे बी लेट्स टाइप और बायो राइट str, ये क्लियर हो गए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इस पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं क्या. सो स्ट्रिंग मल्टीप्लाई 3 राइट, और इफ आई मेक इट 5 राइट, यहाँ पे एडिशन भी होता है राइट. होप यू मस्ट हैव डन, आप लोगों ने ये प्रैक्टिस किया होगा राइट. एडिशन मल्टीप्लिकेशन नथिंग वर्क्स, ये होमवर्क भी दिया था. ओके ये होमवर्क दिया था आपको, विच डजंट वर्क, दिस आल्सो वाज होमवर्क, ये भी नहीं वर्क होता राइट. होप आपने किया होगा. एंड दिस वाज आल्सो होमवर्क. व्हाट इज दिस ऑपरेटर, रेज टू और पावर ऑफ, टू पावर थ्री राइट. ओके एक्सलेंट, चलो सो सेम we have saved some variable, this full name, hello, multiplication. यहाँ पे not only string, direct string combine करने के बजाय मैंने क्या किया है, दो variable combine किया है using plus, as in full name, Derek O'Brien, greeting, hello, or what I want to do is greeting plus full name. If I print, क्या होगा, हेलो डायरेक ओब्रायन, आई वॉन्ट टू एड स्पेस, तो स्पेस एड कीजिए. यहाँ पे कैसे करते हैं, स्पेस स्ट्रिंग एड करना पड़ेगा राइट, स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है ये राइट. दिस इज व्हाट इट इज, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे हमने करके देखा है. ओके सो नेक्स्ट हम अभी देखेंगे लिस्ट, विच इज इन दिस हियर. आइडियली यहां से हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप शुरू होता है. डिराइव्ड एज इन दिस डेटा टाइप्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज वेल एज डिराइव्ड डेटा टाइप्स आर नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स. मतलब ये सबको कंबाइन करके ये जो डेटा टाइप हमने सीखा है
ये सबको कंबाइन करके आगे के डेटा टाइप्स बनेंगे, इंडिपेंडेंटली ये नहीं बन सकते, ओके? और बेस डेटा टाइप बोल सकते हो, ये बेस यूज करके आप आगे बिल्ड कर सकते हो अलग लॉजिक, अंडरस्टूड? दिस थिंग वर्क्स इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप के रहते हैं, एक तो बेस और उनके डिराइव्ड, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट अलग अलग आपको डेटा टाइप्स मिलेंगे. सेम डिराइव्ड डेटा टाइप्स आगे जब हम मॉड्यूल पढ़ेंगे नंपाय, पांडास, मैटप्लॉटलिब, उनमें अलग रहेंगे, क्योंकि ये डिराइव्ड है, पाइथन के लिए बनाए हैं. आप कुछ पाइथन के ऊपर बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए अलग डेटा टाइप बनाया गया है. सो एज एंड व्हेन टाइम कम्स वी विल अंडरस्टैंड दोस. जैसे नंपाय में आपको एनडी अरे रहता है, एक नाम है एनडी अरे, दैट इज अगेन डिराइव्ड डेटा टाइप. पांडास में है सीरीज, डेटा फ्रेम, ये डेटा टाइप्स है डिराइव्ड फ्रॉम सम बेसिक डेटा टाइप्स. ओके, अंडरस्टैंड कि हाउ, मतलब इनका ओरिजिन समझिए, क्योंकि बाद में आप जब रियल वर्ल्ड में जाओगे यू मे नॉट यूज दिस लाइब्रेरी, क्योंकि हर 6 महीने में नया लाइब्रेरी आता है. ओके, तो वो आपको खुद से सीखना पड़ेगा बाय रेफरिंग अ डॉक्यूमेंटेशन. ओके, तो वो डॉक्यूमेंटेशन रेफर करके, एंड हर एक लाइब्रेरी में अलग डेटा टाइप्स रहेंगे. सो अंडरस्टैंड कि ये नथिंग बट अ डिराइव्ड है फ्रॉम सम बेसिक. ओके, एंड एज वी आर ऑन द पॉइंट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, तो पाइथन का भी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना शुरू कर दीजिए. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि लास्ट 6 महीने में 3-4 वर्जन पाइथन के रिलीज हुए हैं. जो आप यूज कर रहे हो वो अलग है, जो मैं यूज कर रहा हूँ वो अलग है. सो जब आप ज्वाइन करोगे कंपनी में उसका कुछ नया वर्जन आया होगा. सो अप टू डेट रहना इज बिट डिफिकल्ट, मतलब कौन से वर्जन में क्या चेंज है तो ये पता चलना इज बहुत मुश्किल है. तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन इज द राइट सोर्स. डॉक्यूमेंटेशन में एग्जैक्ट डिटेल आपको मिलेगा, क्योंकि मैं बना रहा हूँ इसलिए मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा है. सो इट इज ऑलवेज एडवाइज टू स्टार्ट रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन. दिखता बहुत खतरनाक है, ट्रस्ट मी, आपको एक लाइन भी समझ नहीं आएगा, बट आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उतना आपको, मतलब यू शुड बी एबल टू ग्रास्प. और जब आप एग्जाम्स दोगे, सर्टिफिकेशन, पाइथन का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन, गूगल का, अज्यूर का वगैरह, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना अलाउड रहता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स. ओके, क्योंकि आपको रट्टा नहीं मारना है, डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम है. तो इट्स एडवाइजेबल कि आप डॉक्यूमेंटेशन रेफर करना सीखिए, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा इन डिटेल, जो किसी YouTube वीडियो, Instagram शॉर्ट्स में नहीं मिलेगा, इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, एंड वो भी एक्यूरेट. ओके, जब आप SQL सीखोगे वहां पे आपको बहुत पता चलेगा समथिंग कॉल्ड सिलेक्ट स्टार. ओके, एक इंटरव्यू का बहुत फेमस क्वेश्चन है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो पूछते कि वो स्टार क्या करता है. ओके, एंड सिलेक्ट वन, मैं ऐसा लिखूंगा सिलेक्ट काउंट वन फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, तो वो क्या करता है. पूरे इंटरनेट पे वो स्टार का मतलब अलग गलत दिया है इन डॉक्यूमेंटेशन. जब आप पाइथन पढ़ोगे, इंटरव्यू दोगे, देन यू विल रियलाइज. बट ठीक है, अभी के लिए समझिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. ओके, गुड. सो नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, सो लेट्स ओपन द डॉक्यूमेंटेशन. कैसे खोलना है डॉक्यूमेंटेशन, और किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन स्पेस डॉक्यूमेंटेशन ऐसा गूगल करना है. ओके, उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, क्लिक कीजिए. नंपाई का भी देखेंगे एंड पांडास का भी देखेंगे, डोंट वरी. आपको पाइथन सीखना है तो रेडीमेड ट्यूटोरियल्स यहाँ पे भी है. ओके, डायरेक्टली ऑन देयर वेबसाइट. व्हाट इज न्यू इन दिस वर्जन, ये वर्जन में क्या नया है ये दिखाया है यहाँ पे. ओके, सी एवरीथिंग इज देयर, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. मे बी हमें इतना
सेटअप कैसे करना है पाइथन, ये भी है यहाँ पे। ओके, डेप्रिकेशन क्या हुआ है, मतलब फंक्शनैलिटी यूज में नहीं है, वर्जन चेंज हुआ है, इसीलिए कुछ फंक्शनैलिटी हमने निकाल के दिया है, कुछ नया ऐड किया है। सो व्हाट इज नॉट अवेलेबल, डेप्रिकेट बोलते हैं उसको। आप कंपनी में जब काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोड डेप्रिकेट है और डेप्रिकेटेड है, इनहांसमेंट चाहिए। तो डेप्रिकेटेड मतलब ये फंक्शनैलिटी वर्क नहीं होती, बिकॉज हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपडेट किया और कुछ सॉफ्टवेयर हमने अपडेट किया, इसलिए ये पुराना कोड अभी वर्क नहीं होता। तो ये डेप्रिकेशन आपको देखना है, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, एंड देर आर फ्यू मोर थिंग्स, आपको ये स्पेसिफिक भी पता चलेगा। ये देखिए 3.14 डेवलपमेंट में है, 3. स्टेबल है, स्टेबल मतलब सब बग्स फिक्स किया है, सिक्योरिटी फिक्स किया है, वट एवर मे बी आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो 3.12 पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन रेफरिंग। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, आप क्या सर्च करना है, क्विक सर्च। ओके, और डायरेक्टली देर आर फ्यू थिंग्स विच विल स्टडी फ्रॉम द फंक्शन, जब पढ़ेंगे आपको इन डिटेल, हम मतलब मैं इन डिटेल आपको डॉक्यूमेंटेशन रेफर करना सिखाऊंगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेटा टाइप्स। सो नेक्स्ट वन इज द लिस्ट। लिस्ट एज नेम सजेस्ट, दिस इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है, और ग्रोसरीज का लिस्ट आप जब बनाते हो, और टू डू लिस्ट आप बनाते हो, टास्क का लिस्ट बनाते हो, प्रायोरिटी लिस्ट होता है, तो उसमें क्या आप करते हो कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टास्क लिखते हो, राइट? 1, 2, 3 आज क्या काम करना है, कल का क्या, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट? और लिस्ट ऑफ प्लेसेस, आज कहाँ खाना है, इस गली में क्या मिलता है, इस एरिया में क्या अच्छा है, इस संडे ये करना है, उस संडे वो करना है, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट। तो इसी लॉजिक को, ये जो लॉजिक हम सोच रहे हैं और ये हम जो टास्क करते हैं, इसको प्रोग्रामेटिकली इन्होंने लिखा है बाय यूजिंग अ लिस्ट। सो पाइथन में देर आर सम प्रॉपर्टीज, बेसिक आर लिस्ट ऐसे दिखाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, इसको डेटा टाइप लिस्ट है, जैसे स्ट्रिंग का str, इंटीजर का int, तो लिस्ट का list, लिस्ट, क्लियर? और लिस्ट को ऐसे लिखा जाता है, देखिए माई लिस्ट, ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी दे सकता हूं, इज इक्वल टू जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोलन से सेपरेटेड करना है, सेमी कोलन, और मैं ये सारे एलिमेंट लिखूंगा। बेसिक डेटा टाइप है क्या, चेक कीजिए एक बार, है क्या सब बेसिक डेटा टाइप? नंबर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स है, राइट? अलग नंबर, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे मैं लिखता था, राइट, नंबर 1 इज इक्वल टू 10, तो नंबर 1 इज इक्वल टू 10 के जगह है स्क्वायर 10, 20, 30, 40 ऐसे लिख दो एंड एग्जीक्यूट, प्रिंट करो अभी। फिर नंबर 1 प्रिंट num1 हो गया, देखिए। सो लिस्ट इज यूज टू स्टोर अ मल्टीपल डेटा, मल्टीपल आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे कुछ मेमोरी एलोकेशन होगा और इसका नाम आएगा num1 और इसके अंदर लिस्ट आएगा 10, 20, 30, 40, राइट? और नीचे इसका क्या रहता है, सम एड्रेस, समथिंग लाइक दिस। अंडरस्टूड? वेरिएबल कैसे दिखता था, हम वेरिएबल कैसे लिखते थे, एक ये ऐसे मेमोरी लोकेशन, सेम है एक्चुअली, राइट? वेरिएबल का नाम एंड सम लोकेशन एंड इसके अंदर कुछ आपको जो स्टोर करना है, वॉट एवर स्ट्रिंग, राइट? ऐसे दिखता था। तो सेम, दिस इज अ डिराइव्ड, बट ये क्या करता है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं लिस्ट। सो व्हेनेवर लिस्ट इज देयर, सो लिस्ट का एक दूसरा वर्जन है कॉल्ड टपल। ओके, उसके अलग एडवांटेज है, बट ये लिस्ट के 2-3 प्रॉपर्टीज है, हम सीखेंगे इसको लिस्ट ही क्यों बोला जाता है। वन इज हेट्रोजीनियस,
रुको जरा, सब्र करो. हाँ सो लिस्ट, सो देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जसं नंबर ऑल्सो हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सच एज आप कॉम्प्लेक्स नंबर देखोगे तो उसमें रियल रहता है, कुछ इमेजिनरी पार्ट रहता है. तो वैसे ही लिस्ट नाम का ये जो डेटा है, लिस्ट नाम का डेटा टाइप है, इसके कई प्रॉपर्टीज है. तो इसमें फ्यू प्रॉपर्टीज आर, पहले तो आप सारे बेसिक डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो. नॉट ओनली दिस, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट स्टोर कर सकते हो, नॉट ओनली बेसिक, डिराइव्ड भी स्टोर कर सकते हो. ओके, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी. इसको प्रोग्रामेटिकली और थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है हेटरोजीनियस. लिस्ट इज अ हेटरोजीनियस कलेक्शन ऑफ इलिमेंट्स. ओके, हेटरोजीनियस होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटरोजीनियस सॉल्यूशन, राइट? तो हेटरोजीनियस है क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हैं. अंडरस्टूड? यहां से आगे जो हम डेटा टाइप देखेंगे वो भी आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हेटरोजीनियस कलेक्शन. ओके, है क्या डिटेल में? हाँ है आगे. सो वी लर्न एंड और दो तीन प्रॉपर्टीज है, जैसे लिस्ट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन. ऑर्डर्ड कलेक्शन भी बोला जाता है. ऑर्डर्ड क्यों? क्योंकि जैसे हमने टू डू लिस्ट में हमने एक दो तीन ऐसे काम को हम नंबर देते हैं, वैसे ही पाइथन क्या करता है, सारे एलिमेंट को एक नंबर देता है वर्चुअली. तो पहले एलिमेंट को 0 रहता है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 रहता है, सेकेंड को 2 रहता है, इसको 3 रहता है. सो इसको बोलते हैं इंडेक्स. और ये इंडेक्स यूज करके हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये हमेशा ऑर्डर में रहता है. ऐसा नहीं हुआ कि बीच में एक एलिमेंट का नाम, मतलब एलिमेंट आइडेंटिफाई हुआ है विच इज 10, 20, ऐसा नहीं. हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और उसी सीक्वेंस में चलेगा. ओके, ऑर्डर्ड कलेक्शन अगेन. ये देखिए, मैंने जब लिस्ट बनाया उसमें सीक्वेंस क्या था, 10, 20, 30, 40. जब मैंने प्रिंट किया, क्या प्रिंट हो रहा है, 10, 20, 30, 40. सो ऑर्डर्ड कलेक्शन एक ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है. आगे हम एक डेटा टाइप देखेंगे कॉल्ड सेट. तो वो क्या करता है, 10, 20, 30, 40 मैंने लिखा है, वो प्रिंट रैंडमली करेगा, 40 करेगा, 30 करेगा, 20 करेगा एंड 10 करेगा, और डिलीट कुछ नहीं करेगा बट सीक्वेंस मेंटेन नहीं करेगा. ओके, जंबल 1, 2, 3 आपने दिया है, वो 3, 1, 2 ऐसा करेगा, नहीं तो 2, 1, 3 करेगा, नहीं तो 1, 2, 3 भी करेगा, वॉट एवर इट इज नॉट गारंटेड. इसका यूज कहाँ पे है, नॉट श्योर, मे बी बैंकिंग रिलेटेड एप्लीकेशन. कहीं आपने SBI का योनो ऐप देखा है क्या, उसमें और ATM का जो पिन देते हैं आप क्रेडिट कार्ड और पेमेंट करते हो, मे बी इन सम ATM कार्ड में नंबर का चेंज होता है सीक्वेंस. 1, 2, 3 जो कीपैड रहता है उसमें सीक्वेंस चेंज होता है. मे बी दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन रहेगा, सेट वगैरह ऐसा जंबल. अब इंफॉर्मेशन गलत चेंज हो रहा है क्या, नंबर्स 1 to 9, 0 to 9 इंफॉर्मेशन है वहां पे, सेम इंफॉर्मेशन ही है बट सीक्वेंस चेंज हो रहा है हर बार. सो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सेट. तो दैट इज वन ऑफ द डेटा टाइप. क्लियर? सेट क्या करता है, ये देखिए माय लिस्ट, इसके अलग अलग वेरिएशन. सेम डेटा स्टोर कर सकते हो क्या, एब्सोल्युटली. डिफरेंट कर सकते हो क्या, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो रन दिस. बाय द वे, बाकी सब वेरिएबल, ये सार वेरिएबल के रूल सेम है. डॉलर नहीं चलेगा, शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर, शुड नॉट स्टार्ट विथ स्पेशल कैरेक्टर, ऑल दोज वेरिएबल के रूल्स सेम रहेंगे. ओके, एंड वन मोर थिंग अबाउट वेरिएबल इज, वेरिएबल जब भी डिक्लेयर होता है मेमोरी में, इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये सीक्वेंस ध्यान में रखिए, बाद में हमें आएगा. मतलब ये जो इज इक्वल टू है ना, इसके लेफ्ट साइड से इंफॉर्मेशन राइट साइड में जाती है. ओके, मतलब मेमोरी में क्या होता है, थोड़ा डिटेल में है, एप्पल और मैंगो पहले डिफाइन होगा ऐसे. आपके रैम में एप्पल आएगा यहाँ पे और मैंगो,
फिर उसके बाद एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगा, उसका नाम क्या है, फ्रूट्स, वो फ्रूट्स आएगा एंड देन वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी होगा। देयर इज वन यूज केस जहाँ पे आपको ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट है, मतलब ये इज इक्वल टू साइन कैसे एग्जीक्यूट होता है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मे बी यू कैन रिमेम्बर दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, सो लिस्ट वन इज नॉट डिफाइंड, बाय द वे व्हाट इज दिस हियर, आई वॉन्ट अदर्स टू टेल, यस, ये एरर क्या है? लिस्ट वन डिफाइंड नहीं किया है, वो लिस्ट टू का आप लिस्ट वन प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर इनपुट में देखा जाए तो लिस्ट वन ये नहीं है, डिफाइंड नहीं है। ओके ओके, आई वांट अदर्स टू आंसर, यस दैट्स राइट, थैंक यू, व्हाट अबाउट अदर्स, ये एरर क्या है? पहले तो ये एरर है कि नहीं बताइए, फर्स्ट इट इज एरर शोन है। इन रेड कलर सो एरर है राइट? हाँ या आई वांट अदर्स टू आंसर हु आर देयर, तुषार, सुजीत, सुधीर, बाकी लोग यार बात नहीं कर रहे आप सर, लोग। लिस्ट वन डिफाइन नहीं किया हुआ है, सिर्फ लिस्ट टू ही वहाँ पे डिफाइन है। ओके, एंड कैसे डिफाइन करते हैं लिस्ट वन को, कैन यू टेल मी, कैसे लिस्ट वन इक्वल डिफाइन करते टू लिस्ट वन इक्वल लिस्ट वन इज इक्वल टू, टू? ओके, लिस्ट वन इज इक्वल टू, यस, देन हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लेके जो भी हमें ठीक है, नंबर्स, यस स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर, चलो यस सर। शुड आई एग्जीक्यूट दिस? ओके ठीक है, मैं एक बार सर क्या और के देखते हैं, फिर भी एरर आ रहा है। कैपिटल में लिखा है सर आपने, कैपिटल में लिखा है, ये एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ ना, ये देखिए सो वीडियो एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट भी नहीं होगा क्योंकि प्रिंट आपको। ओके वन बाय वन, हु आर देयर, तुषार एंड सुजीत, चलो आप दोनों बताइए क्या प्रॉब्लम है। आपने बताया डिफाइन नहीं था, हमने डिफाइन किया, फिर हमने रन भी किया राइट, ये देखिए रन हो गया, रन ठीक है, मैं वापस ये रन करता हूँ फिर भी नहीं आ रहे, चलो तुषार सुजीत बोलिए, व्हाट अबाउट अदर्स? सर लिस्ट वन जो है वो कैपिटल में किया है, सो ओके, ये कैपिटल में है क्या? यस सर, ओके, और ये स्मॉल, सो व्हाट इज द यस डिफरेंस? लिस्ट वन तो लिस्ट वन है, मीनिंग सेम है ना सबका? सर, वो स्केस सेंसिटिव है तो होगा नहीं। ओके एब्सोल्युटली, सुजीत समझ में आ रहा है कि आपको क्या हो रहा है? यस सर, ओके बताइए अभी कैसे करेक्ट करना है, व्हाट शुड आई राइट? सर कैपिटल के जगह स्मॉल लिस्ट आप वन मुझे हो बताइए, मैं कर देता हूँ, चलो यहाँ पे बताइए प्रिंट में क्या करूँ, मेरा एरर जाना चाहिए। जाए माई लिस्ट टाइप करो सर, प्रिंट कैपिटल, कैपिटल में लिस्ट वन, कैपिटल में लिस्ट, ठीक है कैपिटल में लिस्ट वन, वन है, छोड़ा एग्जीक्यूट, लिस्ट वन, हाँ लिस्ट वन सर, ठीक है, ओके एब्सोल्युटली अंडरस्टूड एवरीवन, डीबग क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉब्लम कहाँ था, केस सेंसिटिव क्या है, समबडी मेंशन माय लिस्ट, सो माय लिस्ट भी प्रिंट होता है, ओके यहाँ पे प्रिंट कीजिए, माय लिस्ट विल आल्सो गेट प्रिंटेड, ओके चलो। सो नेक्स्ट, बाय द वे यू शुड नॉट बिलीव ना कि यहाँ पे पहले तो दिख रहा है स्क्वायर है एंड एलिमेंट सेपरेटेड बाय सेमी कोलन है, तो आई कैन से इट इज लिस्ट, एक भी चेक करके बताइए टाइप क्या लिखो यहाँ पे, मैं लिस्ट वन, लिस्ट वन लिस्ट वन लिख रहा है, तो लिस्ट वन लिख है ना, चेक गुड। सो नेक्स्ट वन इज टपल जो मैं आपको बोल रहा था, क्वेश्चन था यस लिस्ट इज म्यूटेबल और अनम्यूटेबल है, ओके
गुड क्वेश्चन, आप बताइए म्यूटेबल मतलब क्या और इम्यूटेबल मतलब क्या, देन विल डिस्कस व्हाट इज अ डिफरेंस और व्हाई इट इज अ म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल यस बोले अंकित, आई तो गेस आपने पहले थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंड किया, लाइक यू नो पाइथन राइट? सुशांत। हाँ यस, ओके सो डोंट वरी, वील कवर इन द स्टेप बाय स्टेप मैनर। ओके, ये सारी ओके चीजें सर, हम बाद ओके में सर, कनेक्ट करेंगे। आई डोंट वांट टू ओवरलोड विद द इंफॉर्मेशन। विल ओके सर, बिल्ड द बेसिक वेरी स्लोली एंड देन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूटेबल, इम्यूटेबल, डुप्लीकेट होता है नहीं होता है, फोल्डर कलेक्शन, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ओके, ऑल दोस ओके सर, थिंग्स। थैंक यू। ओके, सो इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स अबाउट द लिस्ट। ऑब्जर्व दिस लिस्ट, इलेमेंट, मैंने सिर्फ इलेमेंट लिखा नहीं है, आई एम डूइंग सम कैलकुलेशंस एज वेल। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर 3 less than or equal to 5, क्या आंसर आता है इसका? यस, लॉजिकल ट्रू ऑपरेटर का आंसर क्या आता है? एनी लॉजिकल ऑपरेटर, ट्रू और फॉल्स बोलो, आंसर बोला आना चाहिए ट्रू, बोला राइट? नाउ द माय क्वेश्चन इज, जब आप ए अंडरस्कोर लिस्ट प्रिंट करोगे तो ये 3 less than 5 प्रिंट होगा कि ट्रू प्रिंट होगा? ये नीचे प्रिंट हुआ है, सो होप वैसे ये किसी को नहीं पता है, आई शुड हैव डन लाइक दिस। ठीक है, तो रिमेम्बर कैलकुलेशंस भी होता है लिस्ट के अंदर। ओके, नॉट ओनली दिस, ये फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर और एक लिस्ट है, वो भी यहाँ पे है। नन रिजर्व कीवर्ड ग्रीन कलर हाईलाइट हुआ है, नन नाम का एक रिजर्व वर्ड है। ओके, दैट इज ऑल्सो देयर एंड ये भी प्रिंट हुआ है। ओके गुड, सो होमवर्क फ्रूट्स में मैं सो ऑब्जर्व, सो ऑब्वियसली होमवर्क ये पहले तो अच्छे से देखो सब, और लिस्ट के सारे वेरिएशंस आपके क्लियर होने चाहिए। लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करना है, फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्या क्या स्टोर होता है, लिस्ट के अंदर कैलकुलेशंस होता है क्या, देन ऑब्वियसली वन मोर थिंग यू कैन चेक, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट स्टोर होता है क्या, व्हाट ही मेंशनड डुप्लीकेट, क्लियर? लिस्ट का टाइप, इसके आगे हमने देखा स्ट्रिंग वगैरह, स्ट्रिंग रिलेटेड सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये सारे बेसिक है, इसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड अ बेसिक बेसिक, मतलब प्रोग्रामेटिकली जो आप प्रिंट कर सकते हो वो करके देखिए, थियोरटिकल पार्ट आगे है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। चलो, सो नेक्स्ट पार्ट इज टपल। सो व्हाट इज टपल? पहले तो ये सिमिलर टू लिस्ट है, जैसे टपल लिस्ट है वैसे ही टपल है। ओके, ओनली डिफरेंस इज हम इसे पैरेंथेसिस में लिखते हैं, पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमा इज सेम, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन। दिस एंड इसका टाइप, बाय द वे इसका फ्रूट्स मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, मैं लिखता हूँ इसको पहले। तो ये क्या हो गया लिस्ट, लेट मी एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट लिस्ट, और इसको टपल करना है तो पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस हो गया टपल, नथिंग मच, नॉट मच डिफरेंस। ये भी हेटरोजीनियस कलेक्शन है, अलग अलग डेटा स्टोर करो, अलग अलग वेरिएबल स्टोर करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, सिंपल एंड इजी। सो वन मोर होमवर्क, लिस्ट है सेम है फिर टपल क्यों चाहिए? ओके, दिस इज होमवर्क, आप इसका आंसर ढूंढिए एंड देन विल डिस्कस। हो ऑनलाइन जो भी है होमवर्क क्लियर है? लिस्ट की तरह है, सेम काम करता है, सिर्फ पैरेंथेसिस चेंज करना है, बट
फिर बनाए क्यों है? सो इट इज अ होमवर्क, यू कैन चेक ऑनलाइन, थोड़ा सर्च कीजिए एंड फाइंड आउट द आंसर. देयर आर स्मॉल समथिंग परसेंट हुज करोगे तो जितने भी आपके वेरिएबल्स आपके रैम में है वो सबका लिस्ट आएगा. अगेन गो बैक, ड्रॉबैक ऑफ पाइथन, क्या मैं वेरिएबल निकाल सकता हूँ? नहीं. ये देखिए, ये कुछ ग्रीटिंग नाम का हमने कुछ लिखा था ऊपर, वो ऐसा ही है मेरे रैम में. अगेन कमिंग बैक, कर्नल शट डाउन, कर्नल क्यों करने के लिए बोला था आपको? दिस इज व्हाट इट इज. आप ये दो दिन के बाद भी परसेंट हू करोगे तो वो वेरिएबल वहां पे रहेगा, क्योंकि दिस इज नॉट, मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन. पढ़ा था ना डे टू, कहा ये है कि इधर समथिंग ड्रॉबैक्स ऑफ पाइथन कहीं तो है. हाँ पढ़ा था ना ये, and this is what I explained you, I will show you it in the programmatically. बाद में आपके hope you are able to relate. चलो तो इसीलिए आपको kernel shutdown करना पड़ेगा properly, or else distort होता है memory. मतलब किसी तो memory location पर रहता है, वो कौन clear करेगा किसी को पता नहीं. इसलिए पाइथन को गार्बेज कलेक्शन लैंग्वेज भी बोलते हैं, गार्बेज कलेक्टर और गार्बेज कलेक्शन, क्योंकि ऐसे गार्बेज स्टोर होता है. और सी को नहीं बोलते क्योंकि सी में देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड मैलॉक, वो रन करोगे ना. फंक्शन इज नथिंग बट जैसे प्रिंट वेरिएबल का नाम लिखा आपने, मैलॉक और वेरिएबल का नाम लिखो तो वो वेरिएबल वहां जाके डिलीट हो जाएगा. ओके okay. I am surprised those who know Python, यहाँ पे एक exception है. Those who know Python, they can ask me the question here, but still okay. There is exception to whatever I said right now, but if you are not able to recall, then it's okay. But ठीक है, one more homework you can take. मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए और हाउ टू, स्पेसिफिकली मैं आपको हिंट देता हूँ, हाउ टू क्लियर द मेमोरी और हाउ टू क्लियर द स्टोर्ड वेरिएबल्स इन पाइथन. मतलब ये मुझे कुछ भी करके ये क्लियर करना ही है, तो ये कैसे करते हैं? ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट डेटा टाइप. String list tuple, dictionary. By the way, आपकी heading भी देख सकते हो. जब भी आप interview में answer करोगे ना, तो ये पांच आपने बता दिया तो भी sufficient है. Number, bool, sequence, mapping and sets. और इसके number के तीन version है. Bool के दो type है, sequence के तीन है. Sequence is nothing but 1, 2, 3 sequence. तो उसी के हिसाब से ये लगाया है ना. मैपिंग इज डिक्शनरी, तो मैपिंग रहता है. चलो सो इन डिक्शनरी ईच आइटम, डिक्शनरी इज नथिंग बट अ डेटा टाइप, स्टोर्स की एंड वैल्यू. ये क्या करता है? हमेशा एक पेयर स्टोर करता है, पेयर ऑफ की एंड वैल्यू. एंड डिक्शनरी को DICTS ऐसे लिखते हैं. डिक्शनरीज आर ऑफन यूज टू स्टोर मेनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एज डिटेल अबाउट अ पर्सन in a single variable, or key and value pair enclose किया जाता है curly braces में. okay? example है, person related information store करना है, उसका नाम क्या है, sex, age, married है कि नहीं है, ये सारा information एक variable में आपको store करना है. इसका example जब आप Amazon पे search करते हो कुछ, जो latest अभी कौन सा है, Moto Edge 50, मोटो एज 50 आया ना कुछ. हाँ तो आप सर्च करोगे मोटो एज 50, सो यू गेट लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके पूरे डिटेल हमें पता चलता है. उसका रैम क्या है, बैटरी कितना है, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, बैटरी, व्हाटएवर डिटेल,
इज इट रिलेटेड टू वन फोन, मतलब उसी फोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना. सो मुझे ये सिनारियो क्रिएट करना है इन द प्रोग्राम. मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए, आई नीड अ वन वेरिएबल जिसमें मैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ. सो ऐसा कुछ आपको चाहिए, मतलब अभी आईफोन 16 है, आईफोन 16 उसके सारे डिटेल, प्रिंट आईफोन 16, ऐसा करने के बाद सारा आईफोन 16 से इंफॉर्मेशन मुझे आना चाहिए. सो दिस आई वॉन्ट टू अचीव. तो ये अचीव किया जाता है यूजिंग डिक्शनरी. ओके, तो वन ऑफ सच एग्जाम्पल पर्सन वन, नेम इज अ की एंड उसका एक्चुअल जो नाम है जॉन, दैट इज वैल्यू. सो आईफोन 16, रैम इज अ की, वैल्यू इज 16 GB, राइट. और क्या फीचर्स है, वायरलेस चार्जिंग ट्रू क्या हो गया, वैल्यू. वायरलेस चार्जिंग फीचर की हो सकता है. ओके, कंपनी की हो गया, वैल्यू एप्पल, राइट. कलर क्या हो गया, की हो गया. मे बी अभी क्या चल रहा है उनका कलर का, आई डोंट नो. नहीं, वो डीप ग्रे, स्पेस ग्रे ऐसा रहता है ना उनका कलर. सो व्हाट एवर नॉमिनक्लेचर दे हैव, दैट इज अ वैल्यू, राइट. कार के बारे में, कार में भी वही हो सकता है, कार का कंपनी BMW, राइट. मॉडल i3, फ्यूअल टाइप EV, डीजल, राइट. पावर व्हाट एवर, ऑटोमेटिक है कि नहीं है, मैनुअल है, इंजन साइज, ऑल दोस थिंग्स. सो दैट इज द एप्लीकेशन. कैसे लिखते हैं ये देखिए थोड़ा. वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, ओके, देन की कोलन वैल्यू, ओके. एंड अगेन हेट्रोजीनियस है, अलग अलग डेटा टाइप आप स्टोर कर रहे हो यहाँ पे. नॉट ओनली दिस, करके देखिए एक एंड प्रिंट, यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स. BMW यहाँ पे है, उसका फ्यूल डीजल. BMW रन करके देखिए, यू कैन सी द आंसर. प्रिंट टाइप क्लास डिक्शनरी, क्लियर, गुड. सो नेक्स्ट डेटा टाइप इज कॉल्ड सेट. सेट नाम का एक डेटा टाइप है, ये भी करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, बट डिफरेंस इज की एंड वैल्यू पेयर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लिस्ट है, लिस्ट आप स्क्वायर में लिखते थे, उसी को करली ब्रैकेट लिखा तो हो गया सेट. होप अंडरस्टूड. सो सेम देखिए यहाँ पे, बाय द वे सेट डेटा टाइप SETA ऐसा है, यू कैन चेक. माई सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एग्जीक्यूट प्रिंट माई सेट. ओके, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस, सिक्वेंस मैच हो रहा है क्या, 67 यहाँ पे है, प्रिंट यहाँ पे हो रहा है, देखिए, राइट, सिक्वेंस चेंज हो रहा है, राइट. इफ आई मेक 66 एग्जीक्यूट 66, सम रैंडम सिक्वेंस, हर बार वही सिक्वेंस आएगा, नॉट श्योर. बट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सेट इज क्विकली डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड. आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 66 ऐड किया है एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग, 66 एक ही बार प्रिंट हो रहा है. यस, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट, तो वहां पे क्या रहेगा, डुप्लीकेट अलाउड रहेगा, यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं है. टाइप चेक कीजिए एक बार नीचे, टाइप माई सेट. ओके, ये करली ब्रैकेट लिस्ट है, अभी मैं करली ब्रैकेट दे देता हूँ. एग्जीक्यूट सेट. सो देयर इज अ फ्रोजन सेट. वन मोर टाइप चेक कीजिए, यहाँ पे फ्रोजन सेट है एक लास्ट वाला. फ्रोजन सेट को थोड़ा अलग से लिखते हैं, सेम सेट की तरह ही है. फ्रोजन सेट माई, एक सेट बनाना पड़ता है. ओके, पहले आपने बनाया माई सेट, उसको फ्रोजन सेट इन ब्रैकेट माई सेट लिखना पड़ता है. और फ्रोजन सेट प्रिंट ऐसे होता है, देखिए. अगेन डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, ब्ला ब्ला थिंग्स एंड प्रिंट.
सो दिस इज अगेन लिस्ट एंड टपल में जो डिफरेंस है सेट एंड फ्रोजन सेट में. तो वंस यू रियलाइज दैट तो आप ये रिलेट कर सकते. ओके ओके गुड. देर आर फ्यू मोर थिंग्स. देर आर समथिंग कॉल्ड रेंज. एक रेंज नाम का भी कुछ डेटा टाइप है जो नंबर जनरेट करता है. एज इन प्रोग्रामेटिकली 0 to 100 आपको जनरेट करना है प्रोग्राम लिख के. तो रेंज 0, 100 आप लिख दो. मैंने यहाँ पे 0, 10 लिखा है और सिर्फ 10 लिखा है. यू कैन एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट. यहाँ पे आपको ओके रेंज यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ एंड एग्जीक्यूट. सो 0 to 10 हुआ है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 काउंट कीजिए नंबर ऑफ काउंट्स. और ओके तो ये 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज 0 एज अ डिफॉल्ट स्टार्ट. प्रोग्रामिंग में सारे नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. यू टेक जावा सी सी प्लस प्लस एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके 0 से स्टार्ट होता है. इसीलिए आपको जब भी एंड नंबर स्किप होता है मोस्टली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. What it is, ये क्या है? This is nothing but a loop, for loop है, but understand कि क्या करता है range. So there are few more variations. So not a issue. We'll cover it in tomorrow's lecture. Fortunately, exactly हमने cover किया है whatever we wanted to cover. So we'll start with the range and function. Functions are few important things. होमवर्क क्लियर है सबको? ट्राई टू डू. और बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि जो फर्स्ट टाइम पाइथन सीख रहे हैं. ओके तो उनके लिए एडवाइस यही है, पाइथन ओपन करो. जो हम क्लास में सीख रहे हैं वो टाइप करो खुद से. ओके डोंट रन एंड एग्जीक्यूट मत करो, सिर्फ खुद से टाइप करना शुरू करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. स्टार्ट राइटिंग सिंपल प्रोग्राम. Addition of two number, multiplication of two numbers. ये simple program cover करना complete शुरू करो, क्योंकि आगे जाके हम complex program लिखना शुरू करेंगे. That time you should not get confused. That is not a time to start learning. So Python आप first time सीख रहे हो, any programming language you are doing it for the first time, easiest is start doing it. टाइप करके शुरू करो आप लिखना. होप एवरीबडी इज क्लियर. अटेंडेंस क्या जा रही है का पेज वर थे नहीं सगळ्यांचं नाही आहेत, बाकीच्या ग्रुपचं नाही आहेत. तुमच्याच ग्रुपचं आहे ना सगळ्यांचं टाकता तुम्ही? नाही नाही बाकीचे पण आहे, 12 DA-13 पण आहेत सोबत. तर एका शीट मध्ये शेवटच्या पेज वरती तुम्ही नाव लिहून देऊन पारसा. ओके सो एनी डाऊट ऑनलाईन अबाउट लेक्चर, व्हॉट वी आर लर्निंग, हाऊ वी आर लर्निंग, लर्निंग के बारे में कुछ आपको डाउट है? समझ में आ रहा है सब कुछ? यस स्पीड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. Yes, clear है सबको? Yes sir. Any doubt? Quick feedback दीजिए. Language okay? Hindi, English, Marathi समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes. Okay. Audio clear है? समझ audio सुनाई देता है जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? Yes sir. Okay. Video समझ में आ रहा है? Yes. There is no lag. Excellent. Anything with the concept? जो concept हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं. Are you able to understand? Yes sir. Yes sir. And practice. I see there is a lack of practice from your side. There are few people who are doing it. Absolutely fantastic. But कई लोगों practice नहीं कर रहे. होमवर्क वगैरह आप लोगों को करना चाहिए एंड आपको स्क्रीन प्रेजेंट वगैरह करना है क्लास जब स्टार्ट होता है तक. ओके
इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो बाद में यू विल फील कि बहुत मुश्किल है एंड दिस इज नॉट द, ये मतलब एक्सपीरियंस पाइथन के लास्ट डे पे आपके बैच में से वो 4 से 5 लोग रहते हैं, आगे जाके ऐसा वो कर्व होता है, स्टार्ट विथ 30-40 एंड विथ 3 एंड 4, क्योंकि आगे जाके मे नॉट रिलेट कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए इट इज एडवाइज्ड कि प्रैक्टिस कीजिए, विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, दैट इज फेयर एंड सिंपल। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल लैंग्वेज नहीं है। ओके, मतलब इंग्लिश ग्रामर पढ़ के आप बोल सकते हो क्या? नहीं, यू नीड टू प्रैक्टिस, राइट? सो एडवाइस यही है कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। एंड वन मोर थिंग, यूट्यूब पे भी आप फॉलो कीजिए किसी को, कोड विथ हैरी ऐसे कुछ, नहीं तो अपना कॉलेज है, डोंट नीड टू पे, बट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो लोग क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, एज वेल एज प्रैक्टिस कीजिए, वो जो कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। ओके, एंड डू इट नाउ ओनली, अभी कीजिए, ये 30 दिन में आप 2-3 बार रिविजन करोगे ना प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये क्या है ना, दिस इज एक माइंड सेट है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा नहीं कि आपने कुछ रट्टा मारा आ गया, डेफिनेटली नॉट, यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ माइंड सेट, मतलब आपका थिंकिंग डेवलप होना चाहिए उस डायरेक्शन में, देन ओनली आपको वो कंफर्टेबल लगेगा, रट्टा मार के कुछ पढ़ के डेफिनेटली विल नॉट वर्क, वीडियो देख के तो हम नहीं होगा, देख के तो कुछ भी नहीं होगा, अनलेस एंड अंटिल आप ओपन करके रन करते हो प्रोग्राम वगैरह, स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। ओके, ऑनलाइन सभी लेक्चर्स, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, वी आर अपलोडिंग ऑल द लेक्चर्स, होप यू आर फॉलोइंग दैट एज़ वेल। ओके, चलो, थैंक यू।